बनाएंगे छोटे प्याज का अचार। उसके लिए हमने बिल्कुल इस साइज का छोटे साइज का प्याज ले लिया है, ये आधा किलो प्याज है। एक बड़े साइज का आम ले लिया है। प्याज को हम छील लेंगे, इस तरह प्याज को छील लें। सारे प्याज को इसी तरह छील लें। सारे प्याज को इसी तरह छील लें। इस तरह प्याज और आम को छील लें। अब प्याज को एक गीले कपड़े से पोंछ लेंगे, इसे धोना नहीं है। एक कपड़े को गीला करके और अच्छी तरह से इसे पोंछ लेंगे। इस तरह कपड़ा को गीला कर लें और सारे प्याज को पोंछ लें। आम को इस तरह कोर लेंगे। अब प्याज को लेंगे और इस तरह इसमें कट लगा लेंगे। इसे पूरी तरह से काटना नहीं है, बस दोनों साइड से इस तरह कट लगा लेना है। पहले इस साइड से कट लगाएं, फिर घुमा के इस साइड से कट लगाएं। इस तरह से इसमें कट लगा लें। सारे प्याज इसी तरह कर लें। अब इसमें एक कप सेक के दरदरी पिसी हुई पीली सरसों डालेंगे। आधा कप सेक के दरदरी पिसी हुई सौंफ डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मेथी को भी सेक के दरदरा पीस लेंगे, ये आधा छोटा चम्मच डालेंगे। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मंगरेला डालेंगे, इसे गोटा ही डालना है। एक बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लें, अगर तीखा ज्यादा खाते हो तो ज्यादा डाल लें। आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे। एक कप सरसों तेल डालें इसके ऊपर, मसाले के ऊपर। ये आधा कप कोरा हुआ आम है, इसे भी डाल लेंगे। अब इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाले को, आम को, प्याज को, सबको अच्छी तरह से मिला लें। आधा कप तेल और डाल लें। तेल अच्छे से डालने से अचार जल्दी से खराब भी नहीं होता है और कलर भी अच्छा आता है। अब इन सबको मिला के हम एक दिन के लिए धूप में रख देंगे। ये सब अच्छी तरह से मिल चुका है, अब इसे एक दिन के लिए धूप में रख दें। छोटे प्याज का अचार रेडी है, इसे हमने एक दिन धूप में रख दिया है। ये एक दिन धूप में रखने के बाद इस तरह का हो चुका है। अब इसे एक जार में भर के और रख देंगे। ये खाने के लिए भी तैयार है, आप अब इसे खा सकते हैं। ये अचार बहुत ही जल्दी बन जाता है, एक दिन में ही आप बना के इसे खा सकते हैं।